नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सचिन शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक बख्शी पे। दोस्तों, हम इस चैनल पे अनबॉक्सिंग, रिव्यूज और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और अनबॉक्सिंग लेके आया हूं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। दोस्तों, ये फोन मोटो ने बजट सेगमेंट के लिए निकाला है। ये फोन आपको 10,000 से अंडर मिल जाता है। ये है मोटो का G9। इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है। ये एक काफी अच्छा कैमरा मोटो इसको बोलता है। इसमें आपको नाइट विजन का भी सपोर्ट मिलता है। बाकी इसमें आपको 4GB की रैम मिलती है, 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है और इसका ऑन बॉक्स प्राइस है 14,999 रुपीज। दोस्तों, मैंने बॉक्स को खोल दिया है। आपको फोन जो है उसमें आपको कवर भी दिखेगा पहले ही लगा हुआ। काफी अच्छा फोन कवर है। मैं इसको निकाल के दिखाता हूं आप लोगों को। काफी अच्छी क्वालिटी का कवर है ये। फोन के बारे में हम बाद में बात करते हैं, देखते हैं आपको बॉक्स में क्या मिलता है। ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, पढ़ सकते हैं आप लोग। ये सिम इजेक्टर टूल है। आपको इसमें ये बजट फोन में आपको टाइप सी केबल मिलती है। काफी अच्छी बात है, मोटो ने काफी अच्छे तरीके से वापसी की है। ये आपका 20 वॉट का फास्ट चार्जर है। बॉक्स और केबल्स वगैरह को मैं कवर वगैरह को साइड में रखता हूँ। अब हम आते हैं डायरेक्ट फोन पे और बात करते हैं इस फोन के बारे में। यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रोटेक्शन दिखाई देगी। मोटो G9 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा के सिस्टम के साथ आता है। बताता हूँ दोस्तों आपको इसके बारे में सब कुछ। पहले मैं इसकी प्लास्टिक रिमूव कर लूँ यहाँ से। स्क्रीन काफी प्यारी है। बात करूं मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड मॉड्यूल के, तो यहाँ पे आपको एक सिम स्लॉट मिलेगा। मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ सिम इजेक्टर टूल से। ये मे बी हाइब्रिड स्लॉट होना चाहिए। हाइब्रिड स्लॉट में आप एक मेमोरी कार्ड और एक सिम डाल सकते हैं। दोस्तों, आपको इस फोन के लेफ्ट हैंड साइड में सिम स्लॉट मिलेगा। इसको मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट ही मिलेगा, यानी कि आप एक मेमोरी कार्ड और एक सिम अटैच कर सकते हो। इसमें आपको अपर साइड में एक नॉइस कैंसलेशन, सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन मिलेगा। साथ में 3.5mm की जैक भी मिलेगी। आप राइट हैंड साइड में मिलेगा गूगल असिस्टेंट का डेडिकेटेड बटन, वॉल्यूम रॉकर और यहाँ पे पावर ऑन ऑफ बटन। आपको डाउन साइड में एक स्पीकर ग्रिल मिलती है, साथ में है टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और यहाँ पे आपको मिलता है प्राइमरी माइक। अब मैं बात करता हूं इस फोन के बैक के बारे में, तो आपको यहां पे बैक में ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल मिलता है। साथ में एक एलईडी फ्लैश का ऑप्शन भी मिलता है आपको। यहां पे आपको जो फिंगरप्रिंट है वो फिजिकल फिंगरप्रिंट है और ये काफी ज्यादा सिक्योर होता है और काफी ज्यादा फास्ट भी होता है जो आपका फिजिकल माउंटेड फिंगरप्रिंट होता है। दोस्तों, इस फोन को मैंने बूट कर दिया है। इसका वॉलपेपर काफी ज्यादा पसंद आया मुझे। ये एक स्टॉक एंड्रॉयड है, आपको इसमें एक्स्ट्रा एप्स बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। स्क्रीन भी काफी ज्यादा ब्राइट है। इसको मैं बाद में साइन इन करता हूँ। मतलब कि काफी ज्यादा ऑप्शंस है। आपके ऊपर से नोटिफिकेशन ट्रे निकलती है, यहाँ पे आपको शॉर्टकट्स मिल जाएंगे थोड़े बहुत। अब बात करता हूँ मैं इसके फिजिकल फिंगरप्रिंट के बारे में कि ये कितना ज़्यादा फास्ट है। मैंने इसको पहले सेटअप करके रखा हुआ है। जैसे ही मैंने आपकी उंगली को पीछे टच किया, बहुत ज़्यादा फिजिकल फिंगरप्रिंट की यही खासियत होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं। मैं सिर्फ उंगली को टच कर रहा हूँ और ये एकदम खुल जा रहा है। अब मैं देखता हूँ कि इसका फेस अनलॉक कितना फास्ट है। दोस्तों, फेस अनलॉक भी अच्छा है लेकिन ये खुलने में थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, थोड़ा टाइम तो लग रहा है इसके फेस अनलॉक को। अगर मैं बात करूं इसमें डेडिकेटेड जो बटन दिया गया है गूगल असिस्टेंट के लिए, उसको हम जब सिंगल टाइम प्रेस करते हैं, गूगल व्हाट इज द वेदर राइट नाउ इन शिमला, फोरकास्ट इज अराउंड 45 एंड क्लियर। दोस्तों, कहना चाहिए मुझे इस फोन के बारे में कि इसकी जो स्पीकर क्वालिटी है काफी ज्यादा अच्छी है। एक जो डेडिकेटेड बटन दिया गया है गूगल असिस्टेंट के लिए, वो भी काफी लाजवाब है। अब हम बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में।
दोस्तों इस फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊं तो आपको इसमें Qualcomm Snapdragon 662 का प्रोसेसर मिलता है। ये काफी ज्यादा फास्ट प्रोसेसर है। आपको इसमें 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल मेमोरी मिलती है। आप अपनी मेमोरी को बढ़ा भी सकते हैं मेमोरी कार्ड के द्वारा। अगर बात की जाए इसकी स्क्रीन की तो आपको इसमें 6.5 इंच की IPS LCD स्क्रीन मिलती है। दोस्तों अगर बात करूं मैं इसके सेल्फी कैमरा के बारे में तो आपको इसमें 8 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी कैमरा मिलता है। इसके रेयर में आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का आपको मिलेगा डेप्थ कैमरा और 2 ही मेगापिक्सल का मिलेगा आपको मैक्रो कैमरा। इसमें आपके लिए एक और स्लॉट है LED फ्लैश का। रात में आप इजिली अपनी फोटोज को काफी अच्छे से क्लिक कर सकते हो। इसमें आपको नाइट मोड का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप डार्क नाइट में कोई फोटोज खींच रहे हो तो वो काफी ज्यादा अच्छे से आपकी फोटोज ले सकते हैं। मैं कुछ कैमरा सैंपल्स आपको स्क्रीन पे डाल दूंगा ताकि आपको पता चल सके कि इसके फ्रंट में और बैक में किस तरह के फोटोज खींचे जाते हैं। अब बात करें इस फोन के चार्जर के बारे में तो आपको इसमें 20 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है। इसमें आपको एंड्रॉइड का सपोर्ट मिलता है, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, NFC और GPS का भी आपको इसमें सपोर्ट मिलता है। साथ में ये जो टाइप सी है ये आपकी स्पीड बढ़ा देता है मेमोरी को ट्रांसफर करने की। दोस्तों इस फोन की कीमत है 10,000 के आसपास। ये काफी अच्छा फोन लगा मुझे 10,000 के अंदर। आपको इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, साथ में 2-2 मेगापिक्सल के डेप्थ और मैक्रो कैमरा भी मिल रहे हैं। आपको 10,000 रुपीज के अंडर एक TPU केस भी मिल रहा है। आपको याद है हमने अभी Nato 20A का भी अनबॉक्सिंग किया था, उसमें आपको कोई भी TPU केस नहीं मिल रहा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर जाके उस फोन को भी आप देख सकते हैं। इस फोन के बैक में आपको फिंगरप्रिंट दिखाई देंगे अगर आप अपने फोन को विदाउट कवर यूज करते हो। इस TPU केस की क्वालिटी भी मोटरोला थोड़ी अच्छी कर सकता था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आपको 10,000 रुपीज के अंदर एक अच्छा TPU केस भी मिल रहा है। बात करूं मैं स्क्रीन प्रोटेक्शन की तो आपको इसमें कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। आपको इसमें एक एक्स्ट्रा ग्लास लगाना पड़ेगा ताकि आप अपनी स्क्रीन को प्रोटेक्ट कर सको। इसकी स्क्रीन भी काफी ज्यादा ब्राइट है, हमने इसको सनलाइट में भी यूज करके देखा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि आप इस फोन में गेम्स खेल सकते हैं या नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि आप इस फोन में गेम्स तो खेल सकते हैं लेकिन आपको वैसा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जैसा आपको 20 या 25,000 के फोन्स में मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका बजट 10,000 से अंदर है तो आप जरूर से इस फोन पे जाइए। साथ में आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।